Hello friends, welcome to SUNY IAS. I welcome you to the Environment Revised Through Multiple Choice Question course. Ab hum chapters 2 start karne wale hain, which is the functions of an ecosystem. In the last lecture, we did chapter 1, which was basically related to ecology. Wahan pe humne, jaise ecosystem kya hota hai, what is a biome, what is a biosphere, what is the difference between these things, what is an ecotone. So, बहुत बेसिक जो इकोलॉजी के कॉन्सेप्ट से हमने कवर करे थे एंड आई होप यू हैव बीन एबल टू फॉलो. सो इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर हम इकोसिस्टम को अच्छे से डिटेल में देखेंगे. व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम, राइट? एंड बिफोर स्टार्टिंग आई वुड जस्ट टेल यू दैट इस कोर्स में जो हमारी बेसिक बुक है, सो वी आर ट्राइंग टू सॉल्व 400 क्वेश्चंस फ्रॉम इट. दीज आर यूपीएससी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस और इसको हमने चैप्टर वाइज सेग्रीगेट कर दिया है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, दिस इज चैप्टर 2. So whenever we encounter a question, उससे related जो भी concept है, that I will tell you, and I will also try to make sure कि आप उस concept को अच्छे से revise कर पा रहे हैं. So whenever we are solving a lot of questions, it helps us to understand the concept, apply the concept, and imbibe the concept. So this total process ultimately helps us to eliminate and arrive at the right answer. तो इससे related अब हम शुरू करते हैं. तो पहला question which you can see, and like in the last series also, देखो अगर कोई भी एक ऐसा concept आएगा which I think you are not aware of, so उस concept को पहले मैं आपको explain करूंगा, then we'll solve the question. And when we are solving the question, it is totally up to you. आप अपनी screen को pause कर सकते हो. You may try to attempt the question and then proceed forward. So basically we are also learning the concept और हम साथ ही साथ कैसे eliminate करना है question को, हम दोनों चीजें parallel सीखते रहेंगे इस course में. So see, अभी हम बात कर रहे हैं हाइबरनेशन की और क्वेश्चन में जैसे अगर आप स्टेटमेंट्स देख पा रहे हो, इट टॉक्स अबाउट ट्रू हाइबरनेशन, एशियाटिक बियर्स, एक बेसिक आपको विच यू आर एबल टू सी, ग्राउंड स्क्विरल्स, इनकी बात चल रही है. ओके, सो देखो व्हाट इज बेसिकली हाइबरनेशन, एंड आई थिंक इफ यू आर आपने यू मस्ट हैव कम अक्रॉस इट, राइट, दिस वर्ड. तो लेट्स अंडरस्टैंड. सी, जब हम हाइबरनेशन की बात करते हैं, सो हाइबरनेशन व्हाट इज इट, इट्स बेसिकली अ वे ऑफ एनिमल्स जिससे वो अपनी एनर्जी को कंजर्व कर रहे हैं, राइट? दिस इज रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एंड ये क्यों होता है, व्हाई आर दे रिक्वायर्ड टू कंजर्व देयर एनर्जी, इट्स बेसिकली बिकॉज ऑफ टू फैक्टर्स. एक चीज हो सकती है वहां पे जो वेदर कंडीशंस हो वो बहुत ही टफ हो, दे कैन बी वेरी एडवर्स वेदर कंडीशंस. सेकेंड क्या हो सकता है, दे कैन बी अ लैक ऑफ फूड, राइट? So in both these conditions, the animal may want to hibernate so as to conserve their energy, right? दूसरी चीज क्या है, how can they conserve their energy? तो इसमें देखो, body में एक उनके physiological change होते हैं, which is basically क्या होता है, या तो वो अपनी, they can vary their metabolism or they can vary the body temperature, right? तो अगर क्या होगा metabolism में, तो उनकी metabolism slow हो जाएगी. दूसरी चीज वो क्या कर सकते हैं, या दोनों चीज कर सकते हैं, द बॉडी टेम्परेचर इज गोइंग टू ड्रॉप, ओके, इंटर टेम्परेचर. सो नाउ यू बेसिकली नो दिस कॉन्सेप्ट क्यों होता है और कैसे होता है. तो अब एग्जाम्पल के टर्म्स में यू मस्ट हैव, आपने बेसिकली एक तरह से मे बी इन मूवीज और इन योर बुक्स यू मस्ट हैव ऑलवेज नोन अबाउट कि बियर्स विंटर में दे प्रोसीड टू द हाइबरनेशन, राइट? एक की हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता है. अब देखो, अब इस क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं अटेम्प्ट करने की फ्रॉम दिस बेसिक नॉलेज. और इसमें देयर इज आल्सो वन मोर थिंग, देखो बियर्स में, व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ बियर्स, बेसिकली जो हाइबरनेशन होता है दैट इज इन केस ऑफ पोलर बियर्स, बट बियर्स का डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट अवर ग्लोब इज लाइक क्वाइट डिफरेंट. हो सकता है जो बियर ट्रॉपिकल एरियाज में हो या एशिया में हो, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द बियर्स हु आर प्रेजेंट इन द पोलर रीजन्स. एक चीज. दूसरी चीज, हाइबरनेशन इज ऑल्सो पॉसिबल फॉर अदर लाइक मैमल्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल ग्राउंड जो स्क्विरल्स होते हैं. सो नाउ थ्रू द क्वेश्चन वी विल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. देखो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ट्रू हाइबरनेशन इन्वॉल्व्स अ ड्रास्टिक ड्रॉप इन द बॉडीज टेम्परेचर. ओके, दिस इज स्टेटमेंट नंबर वन. एंड वन मोर थिंग, यहां पे हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो वी विल लाइक बी वेरी श्योर. अगर इनकरेक्ट होगा सो अगेन हम इसको मार्क कर लेंगे. सो राइट, दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट. तो अब हमने बात करी ली कि ट्रू हाइबरनेशन में देयर इज अ ड्रास्टिक ड्रॉप इन बॉडी टेम्परेचर, सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सेकंड स्टेटमेंट सेज द ट्रू हाइबरनेशन इज विटनेस्ड इन ग्राउंड स्क्विरल्स, राइट? बट बियर्स डोंट गो, दे डोंट अंडरगो ट्रू हाइबरनेशन. एंड थर्ड इज, एशियाटिक बियर्स डोंट
undergo hibernation at all. अब आप थर्ड स्टेटमेंट पढ़ रहे होंगे तो यू माइट थिंक दिस इज एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट, कि ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि वो हाइबरनेशन दे डोंट अंडरगो एट ऑल, बट दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली करेक्ट. सी मैंने आपको पोलर बियर का एग्जांपल इसीलिए दिया था दैट इन द पोलर रीजन्स तो वहां पे फूड की अवेलेबिलिटी नहीं हो सकती है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, सो दीज बियर्स गो टू हाइबरनेशन. बट इन केस ऑफ एशियाटिक बियर्स ये बहुत ही वार्मर क्लाइमेट्स में रहते हैं, सो देयर इज एक्चुअली नो नीड फॉर देम टू गो इन टू दिस ईयर लॉन्ग ऑल, जो एक हाइबरनेशन की जरूरत उनको नहीं होती है. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. सो बेसिकली 1 and 3 इज करेक्ट. आंसर तो होगा ये, पर एक बार स्टेटमेंट 2 को भी हम एक तरह से विटनेस कर लेते हैं. इट सेज ट्रू हाइबरनेशन को इट्स विटनेस इन ग्राउंड स्क्विरल्स बट बियर्स डोंट अंडरगो. अब एक बहुत स्मॉल एक डिस्टिंक्शन है ट्रू हाइबरनेशन में. देखो ट्रू हाइबरनेशन ग्राउंड स्क्विरल्स में होता है, दैट्स करेक्ट. बट जो बियर का हाइबरनेशन होता है वो अपनी डीप स्लीप में करते हैं, तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर गिरता तो है बट उनकी इतना ड्रास्टिक डिक्रीज नहीं होता उनकी बॉडी के टेम्परेचर में. एंड बेसिकली जो हम डीप स्लीप की बात कर रहे हैं दे डू नॉट वेक अप, सो इट इज डिफरेंट फ्रॉम द ग्राउंड स्क्विरल्स. तो ट्रू हाइबरनेशन क्या है? यस, ये आई थिंक इट इज विटनेस इन ग्राउंड स्क्विरल्स बट बियर्स डोंट अंडरगो इट. सो आई होप जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हाइबरनेशन क्या होता है, ट्रू हाइबरनेशन क्या होता है, बियर्स में डिफरेंस इज दैट दे आर एक्चुअली डूइंग इट इन देयर डीप स्लीप, बॉडी का टेम्परेचर उनका गिर रहा है and it does not like they do not wake up in that sense. But of course ek exception bhi hai mother bear ka, that they wake up to give birth to the child in maybe January or Feb, right? So this is the basic concept which I wanted to tell you, right? Next we move to ecological pyramids. Now this actually is a very interesting concept. Isse related koi na koi questions har bar exam mein kisi bhi sense mein aata rehta hai, so is question ko ek tarah se we will just understand it in a comprehensive manner. Okay, so dekho ecological pyramids, and in this case they have asked us pyramid of numbers and pyramid of energy, and also they have mentioned biomass. So in cheezon ko hum ek bar acche se samajh lete hain, right? So dekho, when we are talking of pyramid of numbers, statement is saying it can be both upward upright and inverted. So dekho isko start karte hain. Sabse pehle, before starting this we need to understand what are trophic levels. ठीक, ट्रॉफिक लेवल्स के बाद हम पिरामिड्स को अंडरस्टैंड करते हैं. तो आप ये देखो, आपके पास हो सकता है प्राइमरी प्रोड्यूसर हो, ये इसको मैं पीपी लिख दे रहा हूं. प्राइमरी प्रोड्यूसर के बाद हो सकता है देयर इज अ प्राइमरी कंज्यूमर, देन देयर कैन बी अ सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके बाद हो सकता है टर्शियरी कंज्यूमर हो. ठीक, तो जिस तरह से मैं स्टैक कर रहा हूं यहां पर, हो सकता है इफ फॉर एग्जाम्पल दिस कैन बी अ ग्रास, दिस कैन बी अ ग्रास हॉपर, दिस कैन बी अ रैट एंड दिस कैन बी अ स्नेक. मैंने आपको बताया दिया दिस इज प्राइमरी प्रोड्यूसर. सो इस तरह से जो अरेंजमेंट हो रहा है तो दीज आर द ट्रॉफिक लेवल्स, जहां पे एक ट्रॉफिक लेवल में उस तरह के सारे ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं. सो दिस इज अ बेसिक फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन. तो इसी रिप्रेजेंटेशन को जब हम आगे बढ़ते हैं तो, और यहां पे मे बी द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दे कैन इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन किस तरह का पिरामिड है. ठीक, ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया. अब देखो पिरामिड ऑफ नंबर्स की बात करते हैं, एंड पिरामिड ऑफ नंबर्स सबसे पहले आई एम टेलिंग यू इट कैन बी बोथ अपराइट एंड इट कैन ऑल्सो बी इन्वर्टेड. मैं एग्जाम्पल्स आपको बताता हूं. देखो अगर वो पिरामिड अपराइट होगा और वो अपराइट ग्रासलैंड में हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, राइट, अपराइट किसमें है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रासलैंड. ग्रासलैंड में बेसिकली क्या होगा, एज वी गो, जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ट्रॉफिक लेवल्स में, द नंबर ऑफ जो इंडिविजुअल्स है वो डिक्रीज कर रहा है. सो बेसिकली फ्रॉम द लोअर ट्रॉफिक लेवल टू द हायर ट्रॉफिक लेवल द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज डिक्रीजिंग, विच इज वाई इस तरह का एक पिरामिड बनता है ग्रासलैंड में. ग्रासलैंड में आप सोच लो जैसे यहाँ पे कुछ प्रोड्यूसर्स हो गए, यहाँ कुछ हर्बीवोर्स हैं, कुछ कार्निवोर्स हैं, कुछ जो टॉप कार्निवोर हो गए, तो टॉप कार्निवोर की जो नंबर है बहुत कम होता है, बट जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है उनका नंबर बहुत ज्यादा होता है. So this is basically a pyramid of numbers, which is upright. ठीक, अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूं. This is upright for grasslands. Now, for example, inverted हो गया ये. तो inverted के लिए भी we have good example. We can consider the example of a tree. Tree में कैसा है, एक आपका बड़ा tree हो गया, this is basically a producer. उसके ऊपर there can be some herbivores, there can be some parasites, okay?
or there can be some hyperparasites. So as we go along, and in this particular case, the number of individual is increasing, right? In this case, the number of individual is increasing. यहाँ पे क्या हो रहा था, number of individual is decreasing. तो ये एक basic difference है, क्योंकि देखो the tree can only be एक बड़ा सा tree हो गया, पर उसके अंदर जो hyper parasites है वो बहुत ढेर सारे होंगे, right? तो ये एक basic example है which shows that pyramid of numbers can be both upright and it can also be inverted. Similar एक concept है pyramid of biomass, and then we'll talk about pyramid of energy. तो देखो pyramid of biomass में the difference is यहां पे जो जितने भी आपके organism है उनका एक trophic level में जो भी dry weight है वो हम measure कर लेते हैं. तो for example यहां पे मैंने अभी पिछले example में आपको जैसे same example में use करूं, यहां पे grass है आपकी, the grass is the basically यहां पे जो primary producers है. तो biomass जो आपका dry weight है that we have calculated, maybe this is in terms of kg, right? This can be the unit. तो यहां पे कुछ ड्राई वेट हो गया, फिर यहां पे कुछ ड्राई वेट है, देन देयर हियर इज सम ड्राई वेट. सो दिस इज हाउ अ पिरामिड ऑफ बायोमास को हम एक तरह से वी आर हैविंग इट. नाउ इन केस ऑफ पिरामिड ऑफ बायोमास इट कैन अगेन बी बोथ अपराइट एंड इट कैन ऑल्सो बी इन्वर्टेड. देखो इन्वर्टेड वो कहां हो सकता है, उसको आप एक तरह से यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट. इट कैन बी इन्वर्टेड इन केस ऑफ एन एक्वेटिक इकोसिस्टम. एक्वेटिक इकोसिस्टम क्यों, देखो एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या होता है, जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं उनका वेट बहुत कम होता है, एंड एज यू गो अलॉन्ग हो सकता है फिर छोटे मोटे स्मॉल फिशेस हो, सैल्मन, बिगर फिशेस. सो एज एंड व्हेन दीज थिंग्स इंक्रीज द वेट आल्सो इंक्रीजेस. तो इस यहां पे वो इन्वर्टेड हो गया. बट अगर आप एक बेसिक ग्रासलैंड या इनकी बात करोगे तो यहां पे जो टॉप कार्निवोर है उसका वेट सबसे ज्यादा होगा. सो वहां पे इट इज गोइंग टू बी अपराइट. सो अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा पिरामिड ऑफ नंबर्स में इट कैन बी अपराइट एंड इट कैन ऑल्सो बी इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इन केस ऑफ अ ट्री. देन इन केस ऑफ अ पिरामिड ऑफ बायोमास हमने देखा ये भी एक तरह से अपराइट और इन्वर्टेड हो सकता है. लास्ट वी कम टू पिरामिड ऑफ एनर्जी. अब पिरामिड ऑफ एनर्जी इज वेरी लाइक पेक्यूलियर. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है इसमें क्या होगा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो भी एक ट्रॉफिक लेवल में है एंड वेन यू मूव टू द अदर ट्रॉफिक लेवल तो एनर्जी आपकी रिड्यूसेस. यहां पे 10% वाला एक लॉ आ जाता है दैट 10% ऑफ द ओरिजिनल एनर्जी जैसे ही आप हाई जाओगे नेक्स्ट उसमें इन द नेक्स्ट ट्रॉफिकल लेवल यू आर गोइंग टू लूज दैट. इसीलिए यू कैनॉट हैव मोर देन 5 or 6 ट्रॉफिक लेवल्स. दिस इज वन थिंग. द सेकेंड थिंग इज पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट. वाई, बिकॉज एनर्जी जो इस पर ट्रेवल कर रही है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज यूनिडायरेक्शनल. ये बॉटम से लेकर टॉप यहां पे एनर्जी जा रही है, इसीलिए जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है इट इज अपराइट. तो ये चीज आपको एक तरह से हमेशा इसको याद रखना है. बाकी कॉन्सेप्ट्स में आपने देखा बोथ इन केस ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर्स एंड बायोमास इट कैन आइदर बी इन्वर्टेड और इट कैन आइदर बी अपराइट. बट इन पिरामिड ऑफ एनर्जी आई एम अगेन रिपीटिंग इट इज ऑलवेज अपराइट एंड द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल. तो इतने आई थिंक कॉम्प्रिहेंसिवली समझने के बाद नाउ वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन. सी क्या बोल रहा है पहला सवाल, पहला स्टेटमेंट इट सेज, एंड अगेन देखो यहां पे अगेन प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, इट इज सेइंग इनकरेक्ट. द मोमेंट इट इज सेइंग इनकरेक्ट हमारी मतलब वी हैव टू बी एक्सट्रीमली अलर्ट. देखो अभी पहला, पिरामिड ऑफ नंबर्स कैन बी बोथ अपराइट एंड इन्वर्टेड. आई थिंक वी जस्ट सॉ दैट, सो दिस स्टेटमेंट हैज टू बी करेक्ट. ओके, सेकेंड स्टेटमेंट सेज the pyramid of energy is always upright. ठीक है, this be true. And the flow of energy is from top to bottom. No, it is unidirectional and it is from bottom to top. Right? This has to be incorrect. तो ये तो होना ही चाहिए. Two has to be there in the option. There are only two statements incorrect में. Then we examine statement number 3. देखो, biomass in a pyramid of biomass can be represented in dry weight or the mass of living organisms present at each trophic level. Absolutely correct. This is what we have just learned. So statement 3 is also correct. So this cannot be our answer. There is only one incorrect statement. Kaun sa incorrect statement hai hamare paas? It is C, 2 only. Right? So I hope aapne ecological pyramids ko acche se samajh liya. Humne bahut acche se, we understood. Humne kya dekha? Trophical levels kya hote hain? Pyramid of numbers, pyramid of biomass and pyramids of energy. Humne isko acche se samajh liya. Right?
नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज सेइंग, देखो यहां पे यू आर आस्क्ड थ्री डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स. एक क्या हो गया, बायो एम्प्लीफिकेशन, बायो अक्यूमुलेशन एंड बायो कॉन्सेंट्रेशन, एंड इट इज आस्किंग अस करेक्ट. ओके, इसको भी एक बार हम अच्छे से समझ लेते हैं, बिकॉज यहां पे स्टूडेंट्स हैव अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, मतलब एक तरह से क्या हो रहा है डिफरेंस. तो देखो, आप वर्ड को तोड़ना, आई थिंक हमने लास्ट क्लास में देखा था, हमने जिस तरह से ऑस्मोट्रॉफ को तोड़ा था या फिर जिस तरह से हमने बाकी वर्ड्स को तोड़ा था, जस्ट मेक उसको एक आप याद रखो. अब देखो, हमारे बायो अक्यूमुलेशन, देन यू हैव बायो, वन सेकेंड, इट इज आस्किंग अस एम्प्लीफिकेशन, राइट, जस्ट अ सेकेंड, या दिस इज एम्प्लीफिकेशन एंड द थर्ड इज बायो कॉन्सेंट्रेशन. अब इन्हीं वर्ड्स को देखते हैं. अब देखो यहां पे एक्यूमुलेशन, आपको पता है कोई चीज एक्यूमुलेट हो रही है, ठीक, इकट्ठा हो रही है बेसिकली, दिस इज जो भी एक बेसिक वर्ड है. उसके बाद में आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट बताता हूं. एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन इसको अगर आप हटा दो तो दिस इज बेसिकली एम्पलीफायर, और एम्पलीफायर आपको पता है म्यूजिक के टर्म्स में भी इट्स ऑल्सो अ वेरी पॉपुलर सॉन्ग. सो लाइक सी वॉट इज एन एम्पलीफायर, वो किसी भी चीज को बढ़ा देता है. सो यहां पर अगर हम दिस इज सेइंग इकट्ठा कर रहा है, लाइक वी आर बेसिकली गैदरिंग समथिंग, बट हियर द थिंग इज इन दैट सेंस एम्पलीफाइंग. अब देखो इसको प्रॉपर इन्वायरमेंट कॉन्सेप्ट के टर्म्स में देखते हैं. देखो अगर एक्यूमुलेशन क्या हो रहा है, अगर कोई भी पॉल्यूटेंट है आपका, ठीक, देर इज अ फिश इन अ पॉन्ड, और वो एक तरह से कोई भी पॉल्यूटेंट को वो इंजेस्ट कर रहे हैं या फिर इट इज लाइक कंज्यूमिंग दैट. सो होता क्या है, इट इज गोइंग टू गेट एक्यूमुलेटेड. पर जब हम एक्यूमुलेशन की बात करते हैं, वी आर बेसिकली टॉकिंग ऑफ इन एन ऑर्गेनिज्म. ये एक बेसिक डिफरेंस है कि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म हाउ इज इट अक्यूमुलेटिंग द पॉल्यूटेंट्स, दिस इज एक्यूमुलेशन. पर जब हम बात करते हैं बायो एम्प्लीफिकेशन, दिस इज सिमिलर, लाइक इसी को हम बोल सकते हैं द बायो मैग्निफिकेशन. एम्प्लीफिकेशन में क्या होता है, डिफरेंस इज यहां पर ट्रॉफिकल लेवल्स की बात आ जाती है, ठीक, कि ट्रॉफिकल लेवल्स के अक्रॉस किस तरह से जो, अब जैसे इसमें देयर इज अ वेरी फेमस एग्जाम्पल ऑफ डीडीटी. तो डीडीटी की कॉन्सेंट्रेशन अगर मैग्निफाई हो रही है या हाउ इज इट गेटिंग एम्प्लीफाइड, तो यहां पे क्या है, द कॉन्सेंट्रेशन इज गोइंग टू इंक्रीज एट ईच ट्रॉफिकल लेवल. जैसे ही टाइम पास हो रहा है वो इंक्रीज हो रही है. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर पानी में कोई पॉल्यूटेंट था, यहां पे कोई ऑयस्टर है, यहां पे कोई फिश है, यहां पे कोई प्रेडेटर, एंड फाइनली इफ देयर इज अ ह्यूमन हियर, तो दिस एंटायर चेन इज गोइंग टू गेट इंपैक्टेड व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ एम्प्लीफिकेशन, ठीक. तीसरी चीज क्या है, बायो कंसेंट्रेशन. तो ये एक अलग, आई थिंक इट्स नॉट डायरेक्टली रिलेटेड, बट यहां पे क्या हो गया, इसका मतलब क्या होता है, कोई भी इनटेक हो रहा है, जो भी इफ इन ऑर्गेनिज्म कोई भी एक चीज ले रहा है डायरेक्टली बाय रेस्पिरेशन फ्रॉम वॉटर एक एक्वेटिक सिस्टम में या फिर एयर से इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, तो दिस इज कॉल्ड बायो कंसेंट्रेशन. क्या, कि रेस्पिरेशन पानी में या फिर एयर से टेरेस्ट्रियल में जो भी इनटेक कर रहा है, दैट इज कॉल्ड बायो कंसेंट्रेशन. सो अगेन, व्हाट वी रेड जस्ट नाउ, हमने बायो अक्यूमुलेशन देखा, वी रेड अबाउट बायो एम्प्लीफिकेशन एंड बायो कंसेंट्रेशन, राइट. अब क्वेश्चन को देखते हैं. देखो इट सेज बायो एम्प्लीफिकेशन इज एन इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ अ पॉल्यूटेंट फ्रॉम द एनवायरमेंट फ्रॉम टू द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन, इंक्रीज हो रहा है. अब एक्यूमुलेशन में क्या कह रहे हैं, It is an increase in the concentration of a pollutant from one link in a food chain to another. Okay? And third kya hai? Bioconcentration is saying intake retention hai organism ka entirely by respiration from water in an aquatic ecosystem or from an aerial terrestrial. Theek? Third statement, just abhi maine aapko bataya, this is absolutely correct. To ab aapke paas kya kya sahi ho sakta hai? It can be these three. Because yahan pe statement three nahi hai, this cannot be correct. Now statement 1 and 2 apne fir se dekh liye. Dekho amplification mein kya hai, what has happened right now, yahan pe kya hua hai, yahan pe inhone statements ko upar niche kar diya, they have basically twisted the statements, this and this. Accumulation is basically what, accumulation ka matlab kya hota hai, ki koi bhi cheez wahan pe jo bhi increase ho raha hai from one link of a food chain to another, so basically ye yahan pe aana chahiye. Amplification mein kya ho raha hai, amplification is basically जहां पे जो चीज मैग्निफाई होती है, राइट. सो किस तरह से, यहां पे बेसिकली अगर आपको याद करना हो,
आप एम्पलीफिकेशन बस ट्रॉफिक लेवल के बारे में सोचना. सो बेसिकली बोथ दी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. अवर आंसर पूछा क्या कौन सा करेक्ट है, इट हैज टू बी स्टेटमेंट नंबर 3. फाइन. सो आई होप यू आर एबल टू फॉलो. अगेन देखो, बायो मैग्निफिकेशन और बायो एम्पलीफिकेशन दोनों सिमिलर कॉन्सेप्ट हैं. तो जब भी इनकी बात है, जस्ट थिंक ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स. तो बायो जो आपके मैग्निफिकेशन में क्या होगा, एक लिंक से लेकर अलग लिंक पे जाएगा. ट्रॉफिक लेवल्स ही सोचोगे आप. देखो नेक्स्ट आते हैं बायोटिक इंटरैक्शन. नाउ दिस अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच आई थिंक आपको एक अच्छे से समझ में, एक थिंग यू शुड नो अबाउट दिस. हमसे क्या पूछ रहे हैं, कमेंसालिज्म, अमेंसालिज्म, प्रेडेशन, ऑल दीज थिंग्स, राइट? तो इन कॉन्सेप्ट्स को एक बार हम फटाक से रिवाइज कर लेते हैं. इनफैक्ट प्रेडेशन इज ऑल्सो आस्क्ड. तो देखो कुछ होते हैं नेगेटिव इंटरैक्शंस. जस्ट अ सेकेंड. या देर आर सम नेगेटिव इंटरैक्शंस, देर आर सम पॉजिटिव इंटरैक्शंस, एंड देन देर आर सम न्यूट्रल इंटरैक्शंस. सो वील क्विकली ट्राई टू रिकॉल ऑल दीज कॉन्सेप्ट. अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है तो ये एक तरह से दिस इज अ न्यू लर्निंग फॉर यू. ओके, तो अभी हमने क्या बात करी, हमने बात करी अमेंसालिज्म की. नेगेटिव में देर इज अमेंसालिज्म, सेकेंड इज प्रेडेशन, थर्ड इज पैरासिटिज्म, विच इज आप समझ ही गए होंगे, दिस इज यहां पे पैरासाइट या पैरासाइट से रिलेटेड बात हो रही है. एंड फोर्थ इज कॉम्पिटिशन. तो ये नेगेटिव इंटरेक्शन है. मैंने आपको जान पूछ के क्लासिफाई इसलिए कर दिया सो दैट आपको डाउट ही ना हो कभी इस कॉन्सेप्ट में. जैसे ही देखोगे नेगेटिव, एमेंसालिज्म इज नेगेटिव. ठीक, पॉजिटिव में क्या हो सकता है आपका, फेयरली इजी, इट्स कॉमेंसालिज्म एंड यू हैव म्यूचुअलिज्म. म्यूचुअलिज्म इज बेसिकली जो म्यूचुअल वर्ड है उससे बना हुआ है. ये दो कॉन्सेप्ट हो गए आपके पास. न्यूट्रल भी है, न्यूट्रल में एक बेसिकली वी से इट्स न्यूट्रलिज्म. तो अभी वील ट्राई टू फोकस ऑल अवर अटेंशन ऑन दीज वर्ड्स. देखो अमेंसालिज्म में अगर आप इसको याद करना चाहो, इसको बस यहां पे ऐसे लिख लो, माइनस एंड जीरो. माइनस मतलब वन स्पीशीज इज हार्म्ड बट द अदर स्पीशीज इज नॉट अफेक्टेड, उनको उस पर कोई असर नहीं होता है. ये अमेंसालिज्म हो गई आपकी. प्रेडेशन में क्या है, प्रेडेटर, जैसे आपका मान लीजिए एपेक्स प्रेडेटर क्या हो गया, लायन या टाइगर. तो टाइगर अगर किसी का शिकार करेगा तो टाइगर इज बेनिफिटेड बट द स्पीशीज विल डाई, सो दे आर गोइंग टू गेट हार्म्ड. तो यहां पे प्लस हो गया या माइनस हो गया, इट मींस वन इज बेनिफिटेड एंड द अदर इज हार्म्ड. पैरासिटिज्म, देखो पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट जैसे आपको पता है, जैसे टेप वॉर्म हो गया, राउंड वॉर्म हो गया. तो ये लोग क्या करते हैं, दे आर जस्ट मान लो किसी के साथ, इफ दे आर स्टक ऑन एनी एनिमल, तो उनको तो लाइक दे आर गेटिंग फूड, दे आर गेटिंग ब्लड, एनीथिंग, बट द जिस एनिमल पे होंगे दे आर लाइक लूजिंग देयर एनर्जी एंड फूड, राइट? सो यहां पे भी प्लस माइनस हो गया. कॉम्पिटिशन क्या है, कॉम्पिटिशन इज अगेन प्लस माइनस. क्यों, क्योंकि आप ये सोचो ये एक पूरा एरिया है, यहां पे लिमिटेड फूड है, यहां पे दो तरह की स्पीशीज है. सो इफ यहां पे बिकॉज ऑफ लिमिटेड थिंग्स, तो अगर कॉम्पिटिशन होगा जो वाइटल रिसोर्स है, दैट इज गोइंग टू डिक्रीज. सो एक मान लो यहां पे कोई एक अग्रेसिव स्पीशीज है, दे आर गोइंग टू गेट द फूड बट द अदर स्पीशीज आर नॉट गोइंग टू गेट द फूड. सो कॉम्पिटिशन इज प्लस एंड माइनस, राइट? अब अमेंसालिज्म में मैंने आपको बताया माइनस एंड जीरो. तो इसमें देखो, इसमें कुछ कुछ अच्छे एग्जांपल हम सोच सकते हैं. जैसे अगर देखो एक लार्ज एक ट्री शेड है जो एक स्मॉल जो प्लांट को एक तरह से शेड दे रहा है ना. जैसे आप इस तरह से सोचो, एक बड़ा एक प्लांट है और एक यहां से बहुत छोटा सा प्लांट है. तो इसमें क्या हो रहा है, तो एक तरह से इसको, बिकॉज इफ देयर इज अ सन, देयर इज अ लॉट ऑफ एनर्जी गोइंग डाउन, इसके शेड से दिस इज, इसको एक तरह से इट इज गेटिंग बेनिफिटेड, बट इट इज ऑल्सो रिटार्डिंग द ग्रोथ ऑफ दिस स्मॉल प्लांट. पर इस स्मॉल प्लांट का इट हैज नो इफेक्ट ऑन द लार्जर ट्री. ठीक, इसका इस पे कोई इंपैक्ट नहीं है. तो बेसिकली क्या हो रहा है, इसकी शेड की वजह से इसकी ग्रोथ तो रुक रही है. सो दिस इज नेगेटिवली गेटिंग इंपैक्टेड, बट इट इसको बड़े ट्री को कोई भी इंपैक्ट नहीं हो रहा. दिस इज अमेंसालिज्म इन अ नटशेल. नेक्स्ट थिंग इज हम देखते हैं कमेंसालिज्म. कमेंसालिज्म को सिंपली आप लिख लो प्लस एंड जीरो. व्हाट इट मींस, एक स्पीशी, वन स्पीशीज इज गेटिंग बेनिफिटेड बट अदर जो स्पीशी है उस पर कोई भी इंपैक्ट नहीं हो रहा है. म्यूचुअलिज्म क्या होता है, म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा होता है. सो इट्स बेसिकली अ प्लस प्लस. तो अगर देखो हम बात करें इन केस ऑफ कमेंसालिज्म में, जैसे एक सकर फिश है, इट अटैचेस इटसेल्फ टू अ शार्क, और
आप एक एग्जाम्पल ये भी है, जैसे जो ट्री और एक एपिफिटिक प्लांट्स होते हैं, आपने एपिफिटिक प्लांट्स देखे होंगे जो ट्रॉपिकल एरियाज में जो बहुत ऊपर से एक तरह से ना दे ग्रो एंड दे फॉर्म अ कैनोपी। सो यहाँ पे क्या होता है कि एक को तो फायदा हो रहा है, जैसे इन केस ऑफ सकर फिश, सकर फिश को तो प्रोटेक्शन मिल रहा है, उसको मील भी मिल रही है, पर शार्क को कोई बेनिफिट भी नहीं हो रहा है और कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है, राइट? तो यहाँ पे ये कमेंसालिज्म का एग्जाम्पल हो गया। म्यूचुअलिज्म में क्या हो गया? म्यूचुअलिज्म का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे इसको हम सिम्बाइसिस भी बोलते हैं। सो इट्स बिटवीन कोरल एंड ज़ूज़ान्थलेट। तो आई थिंक ये आपने पढ़ा भी होगा, दिस इज अ वेरी क्लासिक एग्जाम्पल। तो एक केस में द कोरल जो ज़ूज़ान्थले है, इट इज ऑल्सो गिविंग इट द फूड एंड दिस इज गिविंग इट द शेल्टर टू लिव ओवरऑल। तो ये एक म्यूचुअल, एक री इन्फोर्सिंग रिलेशनशिप हो गया, राइट? सो बेसिकली आई जस्ट क्विकली समराइज, हमने क्या देखा, नेगेटिव इंटरेक्शन, अमेंसालिज्म, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, कॉम्पिटिशन, ये चारों नेगेटिव है। पॉजिटिव में क्या देखा, कमेंसालिज्म, विच इज एक वन इज बेनिफिटेड अदर इज नॉट बेनिफिटेड, और म्यूचुअलिज्म में हमने क्या देखा, बोथ ऑफ देम आर बेनिफिटेड। ठीक, अब हम सवाल को अटेम्प्ट करते हैं। देखो इन्होंने क्या लिखा है, कमेंस। अब देखो अगेन बिफोर आंसरिंग दिस प्लीज मेक अ नोट, ये क्या बोल रहा है, इनकरेक्ट बोल रहा है। इन कमेंसालिज्म वन स्पीशीज इज हार्म्ड एंड द अदर स्पीशीज इज अनएफेक्टेड, इज इट करेक्ट? जस्ट थिंक, बिल्कुल ये गलत है, बिकॉज यहां पे वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड एंड अदर स्पीशीज इज नॉट, मतलब इट्स नॉट अफेक्टेड, ये गलत हो गया। दूसरे में क्या है, इन अमेंसालिज्म वन स्पीशीज बेनिफिट्स, देखो यहां पे भी अगेन इट हैज रॉन्ग, एक्चुअली बोथ स्टेटमेंट्स हैव बीन इंटरचेंज्ड। अमेंसालिज्म में क्या होना चाहिए था, वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड बट द अदर इज अनअफेक्टेड, राइट? तीसरा देखो, इन प्रेडेशन बोथ स्पीशीज आर हार्म्ड, हमने क्या देखा था प्रेडेटर में, एक का फायदा हो रहा है पर एक का नुकसान हो रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लायन वाले केस में, लायन इफ इट इज द प्रेडेटर उसको फायदा हो रहा है बट मे बी डियर उसको नुकसान हो रहा है, तो बोथ स्पीशीज रॉन्ग, बिल्कुल गलत है। तो क्वेश्चन क्या हमसे पूछ रहा है, कौन से स्टेटमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ऑल द थ्री आर इनकरेक्ट। ठीक, तो इस तरह से देखो अभी बिकॉज वी हैव प्रैक्टिस द क्वेश्चन एंड हमने क्वेश्चन के पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लिया, तो अब आपको ये सवाल अच्छे से पूरी तरह से विद एग्जाम्पल पूरा याद हो जाएगा, एंड आई होप आप अब इसमें कोई भी कॉन्सेप्चुअल कोई भी तरह से आप गलती नहीं करने वाले हो, राइट? नेक्स्ट आते हैं, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो देखो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को जस्ट स्टार्ट करने से पहले आई विल जस्ट बेसिकली टेल यू हम इसमें क्या बात करते हैं। तो इसमें दो तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है वी आर टॉकिंग ऑफ परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल एंड द अदर इज इम्परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल, दिस इज आई। हाँ, तो देखो न्यूट्रिएंट साइकिल में दो कॉन्सेप्ट्स हैं, पहले में परफेक्ट में क्या होता है, जैसे ही न्यूट्रिएंट रिप्लेस हो रहे हैं, मतलब जैसे ही वो यूटिलाइज हो रहे हैं तुरंत ही वो रिप्लेस हो जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो भी गैसियस साइकिल्स हैं उनको हम परफेक्ट साइकिल्स बोलते हैं, क्योंकि जो भी उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं एज सून एज दे आर यूटिलाइज्ड दे आर गेटिंग रिप्लेस्ड। तो गैसियस साइकिल्स में फॉर एग्जांपल इट्स अ वाटर साइकिल और इट्स अ कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, तो यहां पे जो जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं आपके as soon as they're getting utilized, वो तुरंत replenish या replace हो जाते हैं, this is one। पर जो imperfect cycle होती है, because now you know perfect क्या होती है, so it's easy to like tell। तो देखो जो imperfect cycle होती है तो उसमें कुछ nutrients हम lose कर जाते हैं और वो एक तरह से sediment की तरह से lock हो जाते हैं and we are not able to use them। जो immediate cycling जो process चल रहा है, for example like this, तो some of the nutrients are lost and they are unavailable। अब इसमें क्या हो सकता है, तो इसमें एक्चुअली जो भी आपकी सेडिमेंटरी साइकिल्स होती हैं, दीज आर पार्ट ऑफ इट। सो सेडिमेंटरी में जैसे कि फॉर एग्जांपल इट कैन बी अ फास्फोरस साइकिल और इट कैन बी अ सल्फर साइकिल, तो ये जो साइकिल्स होंगी इट विल लाइक मेक श्योर कि वहां पे इम्परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल है। द अदर केस ऑफ परफेक्ट, परफेक्ट में इट्स अबाउट द गैसियस साइकिल्स। अब इसको अटेम्प्ट करते हैं, अ परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल इज वन in which nutrients are replaced as fast as they are utilized। carbon cycle ko perfect bola hai, to dekho carbon cycle basically agar gaseous cycle bhi likha hota to this would still have been correct, this is absolutely correct। imperfect cycle ko dekhte hain, it is saying some nutrients are lost from the cycle and they get locked into sediments। sulfur cycle is a nutrient cycle, so you are aware, bilkul sahi statement hai। so in this case it is imperfect, yes, and both of the statements are correct।
राइट। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं, देखो इस सवाल में बेसिकली व्हाट इज दिस क्वेश्चन टेलिंग अस, इट इज सेइंग दैट और इट इज बेसिकली लाइक आस्किंग अस अबाउट डिफरेंट स्पीशीज, स्टोन फ्लाइज, मॉसेस, मोलस्क, और किस तरह से कौन सी चीज से पता चलता है। देखो इस सवाल को अटेम्प्ट करने से पहले आई जस्ट क्विकली टेल यू द कॉन्सेप्ट ऑफ बायो इंडिकेटर्स। ओके, व्हाट आर बायो इंडिकेटर्स? कोई भी इफ देयर इज अ चेंज इन द एनवायरमेंट, सो दीज स्पीशीज बायो जो इंडिकेटर्स होते हैं वो वहां पे कुछ भी एक तरह से ना जो साइंटिस्ट होते हैं या फिर बेसिक दे गिव अस सम क्लूज और दे टेल अस जो भी एटमोसफियर में जो चेंज आ रहा है दे आर बेसिकली इंडिकेटिंग अस टू दैट। ठीक, अब यहां पे देखो हमने मोलस्क देख लिया एंड मैं आपको ये सब क्यों विद एग्जांपल्स बता रहा हूं, व्हाई? बिकॉज आप समझ जाओ। और इस तरह के सवाल आपने इस साल के भी प्रीलिम्स में देखा है, दे हैव आस्क्ड यू ऑयस्टर्स के बारे में पूछा है, मॉसेस, लाइकन्स, फर्न, सो ऑल दीज थिंग्स शुड बी नोन टू यू एटलीस्ट। देखो मोलस्क में अगर आपको बाकी सारे समझ नहीं आ रहे हैं, ऑक्टोपस तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक, ये मोलस्क हो गए एंड मोलस्क क्या होते हैं, ये वाटर पोल्यूशन, बिकॉज दीज आर फाउंड इन वाटर, इनके बहुत अच्छे एक दे आर वेरी गुड इंडिकेटर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। ठीक, एंड मॉसेस, दीज आर मॉसेस, आई थिंक यू मस्ट हैव नोन अबाउट इट, नहीं पता है तो अब आपने इमेज देख ली है। तो ये क्या होते हैं, जो रॉक है तो वेन एवर एक तरह से इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है तो रॉक में इन सब में ना जो बहुत जल्दी एक तरह से मॉसेस आर फॉर्म्ड, सो दीज आर वेरी डेलिकेट एंड एक तरह से दे टेल अस अबाउट द एसिडिक सॉइल, तो दीज आर गुड बायो इंडिकेटर्स फॉर अर्बन पॉल्यूशन। अगर मैं देख रहा हूं तो मॉसेस से हम देख सकते हैं। थर्ड इज स्टोन, ये स्टोन फ्लाई है, फ्लाइज इन जनरल आप समझ ही गए, फ्लाइज आर लाइक बेसिक जो फ्लाइज हैं, दिस इज अ डिफरेंट वेराइटी। तो ये क्या होते हैं, ये क्या इंडिकेट करते हैं, अगर कोई भी हाई ऑक्सीजन वाटर है सो दिस विल इंडिकेट हाई ऑक्सीजन वाटर। सो वॉट आई हैव टोल्ड यू राइट नाउ, मोलस्क, ऑक्टोपस से आप याद रखोगे, मोलस्क आर लाइक ऑक्टोपस, ये पानी में लाइक दे आर फाउंड इन वाटर, सो दे इंडिकेट वाटर पॉल्यूशन, मॉसेस एसिडिक सॉइल या अर्बन पॉल्यूशन। ठीक, और जो स्टोन फ्लाइज है दे टेल अस अबाउट द हाई ऑक्सीजन वाटर, राइट। अब इस सवाल में हम आ जाते हैं, फटाक से देखते हैं इसको। देखो स्टोन फ्लाइज को मैच कर सकते हैं, वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आई हैव टोल्ड यू, जस्ट अ सेकेंड, या दिस इज सी, राइट। मॉसेस की अभी मोलस्क हमने क्या बताया आपको, मोलस्क थ्री हैज टू बी बी एंड टू हैज टू बी ए, सो स्टोन फ्लाइज इज हाई ऑक्सीजन वाटर, मोलस्क आर वाटर पॉल्यूशन एंड मॉसेस आर एसिडिक सॉइल, राइट। सो आई होप यू आर एबल टू फॉलो, द आंसर इज दिस बी फॉर 19। नाउ वी कम टू, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, राइट। आपने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा भी होगा एंड इन केस इफ यू हैव नॉट इवन रेड ऑफ इट, आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो अभी हम इसको एक तरह से एक अच्छे तरह से विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तो सी क्वेश्चन इज टेलिंग अस, नाइट्रोजन कॉन्स्टिट्यूट्स 40% बाय वेट ऑफ ऑल द प्रोटीन्स इन द लिविंग टिश्यू। ठीक, अब हम इसी को देखते हैं, जस्ट विल क्विकली ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ नाइट्रोजन। देखो नाइट्रोजन में वी आर टॉकिंग बेसिकली, देखो नाइट्रोजन एक एसेंशियल कॉम्पोनेंट होता है एंड इट कंस्टिट्यूट्स ऑफ प्रोटीन एंड बिकॉज ऑफ दैट वो एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है सारे लिविंग टिश्यूज का, राइट। एक चीज, दूसरी चीज, इट इज नियरली 16%, मतलब 15 से 16% होता है ऑफ ऑल द प्रोटीन्स। तो एक बेसिक आपको ये आइडिया पता चल गया। अब आई कैन आस्क यू वन क्वेश्चन, ये जो नाइट्रोजन, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन या बेसिक में बात कर रहा हूं, सो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता कैसे है, इन वॉट पॉसिबल वेज इज इट हैपनिंग? सो वी कैन थिंक ऑफ इट इन थ्री वेज, राइट। पहला क्या हो गया, बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, सो आई एम जस्ट राइटिंग इट हियर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक, एंड हियर इट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। सेकेंड क्या हो सकता है, बाय आवर इंडस्ट्रीज, दिस इज बेसिकली एंथ्रोपोजेनिक, जो ह्यूमन इंटरवेंशन हो गए। और थर्ड क्या हो गया, बाय एटमोस्फेरिक फिनोमेना, जस्ट लाइक लाइटनिंग हो गई, कोई थंडर स्टॉर्म टाइप का हो गया। सो देर आर थ्री वेज इन विच द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन टेक्स प्लेस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, देन इंडस्ट्रियल जो एक प्रोसेसेस हो गए, एंड देन थर्ड इज लाइटनिंग और थंडर स्टॉर्म। तो देखो व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सेशन,
सो देर आर सम बेसिक कॉन्सेप्ट विच आर इन्वॉल्व, जैसे कि इसमें आपका जो अमोनिया है तो दैट इज लाइक गेटिंग कन्वर्टेड, एक देर इज द प्रोसेस ऑफ अमोनिफिकेशन विच गोज ऑन. देखो यहाँ पे आई थिंक यू आर सीइंग, देखो यहाँ पे अमोनियम है NH4+, यू आर सीइंग नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स. सो देर इज डिफरेंट प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन विच इज गोइंग ऑन, डी एसिमिलेशन, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है इस पूरे केस में. सो दिस इज अ वेरी डिटेल्ड प्रोसेस, प्रोबेबली वी विल कवर दैट इन अवर सब्सिक्वेंट लेक्चर्स, बट बेसिकली जो मैं आपको द ब्रीफ स्नैपशॉट विच आई एम ट्राइंग टू गिव यू इज दैट जो इसमें प्रोसेसेस होते हैं, देर आर डिफरेंट ट्रेंड्स ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी. तो आप इस केस में बिकॉज इट्स अ गैसियस साइकिल, आप प्लीज इसको डिटेल में, वी नीड टू कवर इट. ओके, तो नाइट्रोजन साइकिल में बेसिकली क्या है, नाइट्रोजन बनता है अमोनिया या अमोनियम ऑइंस, वहां से बनता है वो नाइट्राइट, देन नाइट्रेट, एंड देन फाइनली इट अगेन कम्स बैक टू एज नाइट्रोजन. और इसी पूरे सीक्वेंस में देर आर डिफरेंट, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता है कि अमोनियम जो आयन्स हैं वो नाइट्राइट कैसे बनते हैं, थ्रू नाइट्रोसोमोनास एक बैक्टीरिया होता है, और जो नाइट्राइट होता है वो नाइट्रेट बनता है. आई थिंक आई जस्ट राइट इट डाउन, अगर मैं बहुत ब्रीफ में आपको बताना चाहूँ एक पूरे कॉन्सेप्ट को, तो देखो जो अमोनियम आयन्स होते हैं जो NH4+ है, ठीक, वो क्या बनता है, वो ऑक्सीडाइज होके नाइट्राइट बनता है. वॉट इज नाइट्राइट, इट इज NO2+. कैसे बनता है, इट इज बाय नाइट्रोसोमोनास. ओके, उसके बाद क्या होता है, नाइट्राइट जो है वो अगेन ऑक्सीडाइज होता है, नाइट्राइट बनता है नाइट्रेट. जैसे इफ आई से दिस इज 1, दिस इज 2, एंड इफ दिस इज 3, राइट. तो नाइट्रेट कैसे बन रहा है, इट इज बाय द हेल्प ऑफ अ बैक्टीरियम कॉल्ड नाइट्रोबैक्टर. ठीक, ये हो गया. तो दिस इज बेसिकली ये नाइट्रिफिकेशन के स्टेप्स होते हैं. नाइट्रिफिकेशन के बाद क्या होता है, अ प्रोसेस विच इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन. तो डीनाइट्रिफिकेशन में क्या है, ये नाइट्रेट है आपका, तो दिस बिकम्स नाइट्रोजन, नाइट्रेट बन जाता है आपका नाइट्रोजन. सो अगेन इफ आई हैव टू क्विकली समराइज हमने क्या बात करी है, देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन तीन तरह से होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज एंड लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म. देन क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो आपका नाइट्रोजन है वो अमोनिया या अमोनियम आयन्स बनता है, वी हैव सीन इट हियर, दिस इज स्टेप नंबर 1. द सेकेंड इज ये अमोनियम आयन्स आपके पहले बनेंगे, दे विल बिकम द नाइट्राइट, ITE, नाइट्रोसोमोनास से, देन दे बिकम नाइट्रेट थ्रू द यूज ऑफ नाइट्रोबैक्टर, एंड देन वी हैव द फोर्थ स्टेप विच इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन, राइट. तो नाइट्रोजन साइकिल आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली. देन अब देखो इस पे हम सॉल्व करते हैं कॉन्सेप्ट्स. नाइट्रोजन कॉन्स्टिट्यूट नियरली 40% बाय वेट ऑफ ऑल द लिविंग प्रोटीन्स. ये मैंने आपको जस्ट आई हैव टोल्ड यू दिस इज क्वेश्चन इज आस्किंग अस करेक्ट. आई होप यू आर एबल टू रिमेंबर, मैंने आपको 16% बताया था, राइट. तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. तो अवर आंसर कैन नॉट बी, देखो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत. सो सी बहुत बार क्या होता है, अगर हमें सिर्फ एक फैक्ट पता है, वी विल बी एबल टू अराइव एट द राइट आंसर सिंपली बिकॉज ऑफ एलिमिनेशन. सो दिस इज वन ऑफ दोज क्वेश्चंस. बट अगेन अभी हम बाकी दोनों स्टेटमेंट 2 और 3 को खुद से पढ़ लेते हैं, सो दैट अवर अंडरस्टैंडिंग एक तरह से सॉलिडिफाई हो जाए. इट इज सेइंग इट हैज बिकम अ पॉल्यूटेंट. व्हाई? बिकॉज द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन फिक्स्ड बाय मैन हैज बाय इंडस्ट्रियल प्रोसेस हैज फार एक्सीडेड द अमाउंट फिक्स्ड बाय नेचुरल साइकिल. ये चीज बिल्कुल करेक्ट है, विच इज वाई इन्हीं चीजों की, जब नाइट्रोजन का कंसेंट्रेशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है, सो दिस इज वॉट इज लीडिंग टू वॉट. इसी से आपको एसिड रेन आप देख रहे हो, ठीक, आप यूट्रोफिकेशन देख रहे हो, और ये जो कॉन्सेप्ट है यूट्रोफिकेशन एसिड रेन, अभी हम सब्सिक्वेंट अपने चैप्टर्स में करेंगे, बिकॉज दिस इज जस्ट द चैप्टर 2, एंड अभी तक सी वी हैव कवर्ड सो मेनी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स. तो अभी एज एंड व्हेन द सीरीज कंटिन्यूज वी विल कवर ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स. नेक्स्ट इज हार्मफुल एल्गल ब्लूम. तो ये सारी चीजें हैं विच इज अफेक्टिंग. देन द थर्ड स्टेटमेंट इज सेइंग थंडरस्टॉर्म्स कैन कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया विच इज देन यूज्ड बाय प्लांट्स. एब्सोल्युटली करेक्ट, ये तो अभी हमने देख ही लिया, ठीक. तो आई थिंक नाइट्रोजन साइकिल में अगेन जस्ट आफ्टर दिस लेक्चर प्लीज मेक श्योर आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर रहे हो, बिकॉज वी एट सून आईएएस आर ट्राइंग टू मेक योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन एज स्मूथ एज पॉसिबल. So just as soon as these lectures like end, and at least in the entire day, आप कोशिश करो just recall all these things.
बिकॉज अगर आप इस तरह से रिवाइज कर रहे हो, ट्रस्ट मी ऑल दीज कॉन्सेप्ट आर गोइंग टू बी एच्ड इन योर मेमोरी. ओके, वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू न्यूट्रिएंट साइक्लिंग. अब यहां पे हमसे पूछा गया है अबाउट द फॉस्फोरस साइकिल्स. अब इसको जस्ट बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन आई जस्ट क्विकली टेल यू. देखो अभी इसी साल सीएससी 2021 में वी हैड अ क्वेश्चन ऑन बायो जियोकेमिकल साइकिल्स सेइंग दैट द वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज द मेन सोर्स ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ठीक, कार्बन दिया था, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर. सो इन दिस केस यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ क्या आंसर है इसका. पर मैं ये क्वेश्चन आपको यहां पे इसलिए बता रहा हूं कि ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स व्हिच वी आर डूइंग फ्रॉम दिस कोर्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आस्क्ड इन आवर एक्चुअल यूपीएससी एग्जाम्स. सो अगर हम अपने कॉन्सेप्ट्स को थ्रू दीज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अच्छे से करेंगे सो वील बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फेयरली वेल. ठीक, अब फॉस्फोरस साइकिल की बात आ रही तो लेट्स क्विकली लाइक रिवाइज दिस. तो देखो फॉस्फोरस साइकिल क्या होता है. इट प्लेज अ सेंट्रल पार्ट इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम्स एंड इट्स वाटर क्वालिटी. अब देखो इसमें जब फॉस्फोरस की बात हो रही तो इसमें जस्ट बी रिमाइंडेड अभी हमने कार्बन और नाइट्रोजन साइकिल की बात करी है. तो दीज टू एलिमेंट्स ये दोनों एटमोस्फियर से आते हैं. ठीक, और जो फॉस्फोरस है जब भी आप कोई साइकिल देखो सबसे पहले सोचो वेयर इज दिस एलिमेंट कमिंग फ्रॉम. ये कहां से आता है, ये मिनरल होता है, मतलब दिस इज बेसिकली अ मिनरल इन द फॉस्फेट रॉक्स. तो जो भी आपकी इरोजन और माइनिंग एक्टिविटीज हैं जो इन रॉक्स को एक तरह से अफेक्ट करती हैं तो वहां से आपका ये मिनरल रिलीज हो रहा है. राइट, और ये फॉस्फोरस एक और आपको लाइक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फॉस्फोरस इज द मेन कॉज ऑफ द एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ जो फ्री फ्लोटिंग जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स है लेक्स में. तो जो इनकी एक्सेसिव ग्रोथ का जो मेन कॉज है दैट इज फॉस्फोरस. ओके, सो हमने क्या देखा, जो एक तरह से आपके फॉस्फेट रॉक्स हैं उसमें इट इज प्रेजेंट एज अ मिनरल. दूसरी चीज, इट इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सेस ग्रोथ ऑफ दीज माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स. द थर्ड पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इट्स दैट जो मेन जो स्टोरेज होता है फॉस्फोरस का वो अर्थ के क्रस्ट में होता है और लैंड में जो फॉस्फोरस है इट्स बेसिकली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट्स. राइट, सो आई होप यहां तक आप बेसिकली इस पूरे चीज को फॉस्फोरस साइकिल को समझ पाए हो. एंड आई थिंक दिस इतनी जो एक देखो यहां देखो वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज द मेन सोर्स ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स. अभी मैंने बोला वेदरिंग हो या इरोजन हो या कोई मैन मेड एक्टिविटीज हो, सो द आंसर फॉर दिस वाज फॉस्फोरस साइकिल. अब यहां पे आप उस मतलब इस सवाल में इट इज ओनली आस्किंग यू अबाउट द वेदरिंग कॉम्पोनेंट, पर यहां पे मैं आपसे लाइक आई एम आस्किंग यू टू डिफरेंट क्वेश्चंस. सो अब ये तीनों चीज जब आप कंबाइन करोगे सो फॉस्फोरस साइकिल आपकी पूरी तरह से अच्छे से कंप्लीट हो गई है. सी, फर्स्ट स्टेटमेंट सेज फॉस्फोरस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड इट डिटरमाइंस द वाटर क्वालिटी. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. द सेकेंड स्टेटमेंट सेज फॉस्फोरस इज कंसिडर्ड टू बी द मेन कॉज ऑफ एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ रूटेड एंड फ्री फ्लोइंग माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स इन लेक्स. ये तो जस्ट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सो इन दिस केस कोई ट्रैप ऐसा नहीं है इस स्टेटमेंट में, दिस इज करेक्ट. बोथ वन एंड टू आर करेक्ट. ओके, नेक्स्ट वी गो टू पॉलीक्लोरिनेटेड बायफिनाइल्स. क्या लिखा है, दे हैव बीन बैंड बाय द गवर्नमेंट. ऑफ कोर्स इफ दे हैव बीन बैंड तो कोई खराबी चीज होगी. फिर क्या लिखा है, व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पीसीबीज. तो देखो पीसीबीज को एक तरह से एक समझ लेते हैं, व्हाट आर बेसिकली पीसीबीज. तो पीसीबीज आर एक अपने सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं एंड दीज आर बेसिकली पीओपी. पीओपी का मतलब क्या होता है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स. एंड व्हेन वी विल स्टडी ऑल एनवायरमेंटल कन्वेंशंस डिटेल में तो वी विल वहां पे हम पढ़ेंगे कि पीओपीज आर गवर्न्ड बेसिकली अंडर द स्टॉकहोम कन्वेंशन. ओके, तो अभी के लिए व्हाट वी शुड नो एटलीस्ट क्या कि इनको कहां पे यूज करते हैं. वी आर यूजिंग इट बेसिकली जब इसको यूज कर रहे थे हम मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो गए, हीट एक्सचेंजर, जो इन सारे तरह से ना वी वर यूजिंग इट. और इनिशियली इट वॉज नॉट रियलाइज ये बहुत हार्मफुल है. तो जैसे ही ये इसका एक तरह से हार्मफुल पोटेंशियल रियलाइज हुआ तो यूनाइटेड स्टेट्स या जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वहां पे बहुत जल्दी बैन हो गया था. एंड स्लोली एंड स्टडली बाकी कंट्रीज में भी पॉलीक्लोरिनेटेड बायफिनाइल्स दे वर बैन्ड. राइट, अब ये जो है इट नॉट ओनली आपके जो स्किन हो गए, फिंगर नेल्स,
उनको इफेक्ट करता है, इट ऑल्सो इफेक्ट्स योर लीवर। तो एक ये चीज होगी, कार्डियोवैस्कुलर जो चीजें, आपके रेस्पिरेशन, मेमोरी लॉस, सो देर आर अ लॉट ऑफ डैमेजेस विद दिस पर्टिकुलर थिंग। और इनिशियली जैसे मैंने आपको बताया, जब ये आया था तो इट वॉज सीन एज अ वेरी लाइक एक ऐसा लाइक ऑर्गेनिक एलिमेंट जो पूरी तरह से केमिकल, जो पूरी तरह से रेवोल्यूशनाइज कर देगा हमारी इंडस्ट्री को। सो दिस इज वॉट हैपन्स दैट यू क्रिएट अ केमिकल, बट आफ्टर मे बी फ्यू ईयर्स यू रियलाइज कि उसके देर आर सो मेनी नेगेटिव इम्पैक्ट्स। सो पहला स्टेटमेंट, इट कैन लीड टू इंक्रीज इन मेंटल प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग डिप्रेशन, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकेंड क्या लिखा, इट इज हाईली वॉलेटाइल एंड कैन रिएक्ट विद एलिमेंट्स एट रूम टेम्परेचर। अब आप ये सोचो, अगर इसको जब बनाया गया होगा हीट एक्सचेंजर में, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में, अगर ये रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट करने लग गया होता, तब तो एक तरह से वी कुड हैव नॉट बीन एबल टू यूज इट, राइट? सो एक्चुअली ये बहुत हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करता है, विच इज वाई इसको इतने इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज कर रहे थे। सो स्टेटमेंट टू इज रॉन्ग। और ऐसे स्टेटमेंट्स को अगर आपको नहीं भी पता है तो अपनी बेसिक कॉमन सेंस से सोचो, अगर बेसिक रूम टेम्परेचर पे भी रिएक्ट करने लग जाएगा, सो यू यू नॉट बी एबल टू यूज इट और मैन्युफैक्चर इट इन दैट सेंस। थर्ड स्टेटमेंट इज, इट कैन कॉज हेपैटिक डिजीज। हेपैटिक अगर आपको नहीं पता है तो आई जस्ट टेल यू, हेपैटिक इज रिलेटेड टू लीवर। लीवर मैंने आपको बताया, दिस इंपैक्ट्स योर लीवर। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। फॉर दिस वन द आंसर इज बी, 1 and 3, बिकॉज स्टेटमेंट टू इज रॉन्ग। ओके, सो पॉलीक्लोरिनेटेड बायफिनल्स, आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आते हैं, नाउ दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज रिलेटेड टू इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो इसको आई थिंक एक बार हम फटाक से इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से पता चल गया, सो इससे डायरेक्ट या कोई भी इनडायरेक्ट सवाल आएंगे, यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट इट प्रॉपरली इन द पेपर, राइट? तो देखो, इकोलॉजिकल जब सक्सेशन स्टार्ट होता है, होता क्या है कि अगर दिस इज अ डेजर्टेड और अ बैरन लैंड, यहाँ पे कोई भी एक तरह से ना इकोलॉजी नहीं है, तो यहाँ पे जो सबसे पहला प्लांट आता है यहाँ पे, या कोई जो एक प्लांट जो इस एरिया को कॉलोनाइज कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड द पाइनियर कम्युनिटी। फिर सब्सिक्वेंटली और भी कम्युनिटीज आते रहते हैं यहाँ पे, यू विल सी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एंड लाइफ फॉर्म्स गेटिंग हियर। और इसमें क्या होता है, देन एक फाइनल स्टेज आती है, इनिशियल स्टेज इज पाइनियर कम्युनिटी जो पहली स्टेज है, द लास्ट जो फाइनल स्टेज ऑफ सक्सेशन है, इट्स कॉल्ड द क्लाइमैक्स कम्युनिटी, ठीक? और जो भी स्टेज है जो लीड कर रही है क्लाइमैक्स कम्युनिटी की तरफ, उसको एक वर्ड आपने सुना होगा, इट्स कॉल्ड सीरीज, या इट्स कॉल्ड सक्सेशनल स्टेजेस। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। और होता क्या है, देखो जब भी डेजर्टेड लैंड में सक्सेशन हो रहा है तो वहां की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, राइट? प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज। आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन सो दैट ये आपको कॉन्सेप्ट पता अच्छे से पता चल जाए। दूसरा, जो डाइवर्सिटी एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम वो इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि जब मल्टीपल टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होंगे तो वहां की जो ओवरऑल स्टेबिलिटी है या डाइवर्सिटी, ये हमने पिछले, आई थिंक अगर आपको याद होगा, पिछले ही चैप्टर में पढ़ा था कि द मोर डाइवर्स द इकोसिस्टम इज द मोर स्टेबल इट इज, ठीक? और यहां पे क्या होगा, जो एक फूड वेब्स हैं, मान लो यहाँ पे पहले अगर दो होते सिर्फ ऑर्गेनिजम्स, तो फूड वेब क्या होता है, ये मतलब सिंपल दो ही ऑर्गेनिजम्स हैं, पर अगर यहाँ पे ढेर सारा सक्सेशन हो जाए एंड वी हैव मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स, तो फूड वेब जो बनेगा वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये दिस इज रिलेटेड टू दिस, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू दिस, लाइक दैट। तो इकोलॉजिकल जब सक्सेशन होगा, दिस इज गोइंग टू हैपन। एंड यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एंड इकोलॉजी में प्लीज मेक श्योर आप टर्म्स आपको अच्छे से आते हो। देर आर टू टर्म्स, वॉट आर दे, पहला हो गया ऑटोजेनिक एंड द सेकेंड इज एलोजेनिक। सो वन इज कॉल्ड ऑटोजेनिक सक्सेशन एंड द अदर इज एलो। देखो ऑटोट्रॉफ्स आपने देखा हुआ है, जस्ट उसी से याद रखो, ऑटो इज मतलब समथिंग जो खुद कर रहे हैं। तो ऑटोजेनिक सक्सेशन, अगर वहां के ही लिविंग इनहेबिटेंट्स हैं, अगर वही सक्सेशन खुद कर रहे हैं, तो उसको ऑटोजेनिक बोलते हैं। एलोजेनिक अब उसका उल्टा हो जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू टेल, एलोजेनिक इज समथिंग विच इज डन बाय द आउटसाइड फोर्सेस, राइट? तो लेट्स क्विकली समराइज दिस कॉन्सेप्ट, व्हाट वी अंडरस्टूड कि इकोलॉजिकल सक्सेशन होता क्या है। द फर्स्ट प्लांट टू कॉलोनाइज इज अ पाइनियर कम्युनिटी, द फाइनल स्टेज इज कॉल्ड द क्लाइमैक्स कम्युनिटी। इकोलॉजिकल सक्सेशन से होता है लाइक प्रोडक्टिविटी इज इंक्रीजिंग, डाइवर्सिटी इज इंक्रीजिंग, जो फूड वेब है वो और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक? देन ऑटोजेनिक सक्सेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय जो वहीं के इनहेबिटेंट्स है जो उस कम्युनिटी में है, एंड
एलोजेनिक सक्सेशन क्या है, जो आउटसाइड फोर्सेस से ला रहे हैं, राइट। अब हम फटाक से देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछेगा ये हमसे। सो सी यहां पे क्या है, फर्स्ट स्टेज इज सेइंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ अ सक्सेशन इज कॉल्ड, सॉरी इट इज सेइंग द फाइनल स्टेज इट्स कॉल्ड अ पाइनियर कम्युनिटी। हमने क्या देखा था, इट्स एक्चुअली द फर्स्ट स्टेज, तो दिस हैज टू बी रॉन्ग, स्टेटमेंट वन आपका रॉन्ग हो गया। नाउ सक्सेसिव स्टेज लीड टू डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी विद टाइम, अगेन वी हैव डिस्कस दिस, इट्स एक्चुअली एन इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी, तो ये गलत हो गया, राइट। सक्सेशन ब्रॉट अबाउट बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ कम्युनिटी इटसेल्फ इट्स कॉल्ड एलोजेनिक, इफ इट्स बाय द सेम कम्युनिटी उनसे आ रहा है तो इट्स कॉल्ड ऑटोजेनिक। एलोजेनिक किससे है, इट्स बाय द आउटसाइड फोर्सेस। सो हियर कोई भी, ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, द आंसर इज डी, नन ऑफ दीज। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज सेइंग कि जो सेडिमेंटरी साइकिल की बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स सर्कुलेट वाया द मीन्स ऑफ अ सेडिमेंटरी साइकिल, ठीक। जस्ट बिफोर लाइक डिस्कसिंग इट विद यू, देखो जो भी नेचर होता है रिजर्वॉयर का उसके हिसाब से देर आर टू टाइप्स ऑफ साइकिल, एक होती है गैसियस साइकिल एंड द अदर इज सेडिमेंटरी साइकिल। नाउ गैसियस साइकिल को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट आर द एग्जांपल्स, लाइक फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा इट्स अ वाटर साइकिल, इट कैन ऑल्सो बी अ नाइट्रोजन साइकिल, इट कैन ऑल्सो बी अ कार्बन साइकिल, ठीक। दीज आर द गैसियस साइकिल्स। सेडिमेंटरी है क्या, जो कि बेसिकली डिपेंड्स ऑन द अर्थ क्रस्ट, सो इट कैन बी फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सो ऑन, जो अर्थ क्रस्ट में एक तरह से व्हेन दीज रॉक्स और दीज थिंग्स इफ दे आर गेटिंग इरोडेड वहां से निकल रहे हैं, तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। क्या बोला है सवाल में, विच इज सर्कुलेटेड वाया द मीन्स ऑफ सेडिमेंटरी साइकिल, तो अगर इसमें मुझे कोई भी एलिमेंट दूसरा दिखा तो आई विल एलिमिनेट दैट। देखो अब मुझे कार्बन दिख रहा है, कार्बन इज गैसियस, कार्बन एलिमिनेट करो, टू हटाओ, ये हट गया, ये हट गया। फॉस्फोरस मुझे अभी हमने लाइक हमने कितनी बार पढ़ा है, फॉस्फोरस तो है ही, तो वन जिस स्टेटमेंट में है इन दोनों में वो सही होगा, राइट। तो वन किस में है, बी में, वन थ्री एंड फोर, तो इट्स फॉस्फोरस, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम विच आर सर्कुलेटेड बाय द मीन्स ऑफ अ सेडिमेंटरी साइकिल। तो देखो ऐसे सवाल आएंगे, हो सकता है आप में आपको कैल्शियम या मैग्नीशियम नहीं पता हो, तो आप एलिमिनेट भी करो और कॉन्सेप्ट अप्लाई भी करो। अगर आपको सिर्फ इतना पता है इस क्वेश्चन में दैट यू नो अबाउट द कार्बन साइकिल, तो आपने दो स्टेटमेंट्स ऐसे एलिमिनेट कर लिए और बाकी फॉस्फोरस बस आपको पता था। सो इफ यू ओनली नो दीज टू यू कैन स्टिल सॉल्व द आंसर। सो वी एट शून्य आईएएस आल्सो वांट टू टेल यू दैट व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग सच क्वेश्चंस प्लीज हैव अ कॉन्फिडेंस इन योर अबिलिटीज कि आप करेक्ट आंसर पे यू विल बी एबल टू अराइव एट सच आंसर्स, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। इट सेज विद रेफरेंस टू अ फूड वेब, variability of the taste preferences and the various climatic factors they make a food web more complex, okay, and it says the second statement that ki agar if the linkages in the chain that make up a food web are disrupted due to human activities that leads to extinction or the loss of species. So dekho before answering it I'll again say there are two concepts, one is called a food chain and the other is food web. So sorry, this is a food web, right? So food chain mein it's basically a simplistic representation, like for example it and it's jaise yahan se if there is a small producer then like this is the primary producer, then the primary consumer, secondary consumer. The food chain ek sequential ek aapko elements ka link batata hai कि सीक्वेंस पे इस तरह से लिंक हो रहा है, पर अगर आप जानते हो इन एक्चुअल रियलिटी सीक्वेंस ऐसे नहीं होता है। व्हाई? बिकॉज फूड जो वेब है, दिस एलिमेंट कैन गिव एनर्जी टू दिस, इट कैन टेक एलिमेंट्स फ्रॉम हियर, ये हो सकता है इससे रिलेटेड हो, ये इससे रिलेटेड हो, ये इससे भी रिलेटेड हो, वो इससे रिलेटेड है। तो फूड वेब इज इफेक्टिवली कैप्चरिंग ऑल द पॉसिबल इंटरेक्शंस जो ऑर्गेनिजम्स के बीच में हो सकते हैं, ठीक। तो इट इज बोथ ए कॉम्प्लेक्स भी है, बट दिस इज अ रियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन, क्योंकि वेब लाइक वेब आप क्या होता है, वेब इज कोई ना कोई नोड किसी ना किसी नोड से कनेक्टेड, आप देख रहे हो ना, वेब इज वेरी कॉम्प्लेक्स, एंड चेन इट्स एक यूनिडायरेक्शनल टाइप की होती है,
तो अब इस सवाल को देखते हैं, वेरिएबिलिटी ऑफ टेस्ट प्रेफरेंसेस एंड वेरियस अदर क्लाइमेटिक फैक्टर्स मेक फूड वेब मोर कॉम्प्लेक्स। तो देखो, आप देखो, अगर कोई चीज वेरी कर रही है, टेस्ट प्रेफरेंस और क्लाइमेट, तो फूड वेब बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। वाई? बिकॉज अगर फूड ही आपका नहीं अवेलेबल है, क्लाइमेट इज चेंजिंग, सो द ऑर्गेनिजम्स दे आर ऑल्सो गोइंग टू अडेप्ट, राइट? तो वो किस तरह से फूड को कंज्यूम करेंगे, किस तरह से इंजेस्ट करेंगे, ऑल ऑफ दैट इज गोइंग टू चेंज। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट सेज, और देखो यहां पे पूछा गया वो विच इज करेक्ट। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, देखो फूड वेब में क्या पता चलता है, सब कुछ किसी न किसी चीज से लिंक्ड है। यहाँ पे दिस इज लिंक टू दिस, दिस इज लिंक टू दिस। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारा ए एक एलिमेंट है, अगर इसको कुछ होता है तो इफ दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई, तो एवरीथिंग इज गोइंग टू गेट इंपैक्टेड। तो क्या लिखा है, अगर लिंकेज कोई भी डिसरप्ट हो रही है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, तो इससे लॉस भी हो सकता है और कोई स्पीशी एक्सटेंट भी हो सकती है। एब्सोल्यूटली करेक्ट। तो दिस इज एक्चुअली अ सैड रियलिटी कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर इंक्रीजिंग, दिस इज लीडिंग टू अ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो उसका लिंकेज क्या है, द फूड वेब इज गेटिंग इंपैक्टेड, राइट? तो इन दिस केस बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो द आंसर इज लाइक सी, राइट? सो अभी चैप्टर टू में आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। आई जस्ट क्विकली रिवाइज, क्योंकि इन द लास्ट कोर्स लाइक लास्ट लेक्चर एज वेल, देखो हमने रिवाइज करे थे सारे कॉन्सेप्ट्स इन वन मिनट। अब हाइबरनेशन में वी अंडरस्टूड व्हाट हाइबरनेशन इज, एशियाटिक बियर से पोलर बियर की हाइबरनेशन में क्या डिफरेंस होता है, ग्राउंड स्क्विरल्स और बियर्स के हाइबरनेशन में क्या डिफरेंस होता है, राइट? इकोलॉजिकल पिरामिड्स, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास, वी अंडरस्टूड दैट, अच्छे से समझा हमने व्हाट ऑल इट कंसिस्ट ऑफ, किस कहां पे इन्वर्टेड होता है, कहां पे अपराइट होता है, राइट? फिर बायो एम्पलीफिकेशन, बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो कंसेंट्रेशन, हमने इसको एक तरह से अच्छे से समझ लिया, व्हाट इज द डिफरेंस, हाउ आर दे रिलेटेड, ओके? बायोटिक इंटरेक्शन में वी हैव डन इट क्वाइट डिटेल, नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल, कमेंसालिज्म, अमेंसालिज्म, ऑल दीज थिंग्स। परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल क्या होती है, व्हाट इज एन इम्परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल, वी हैव ऑल्सो डन दैट। देन दिस वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑन बायो इंडिकेटर्स, की स्टोन फ्लाइज, मॉसेस एंड मोलस्क्स, हाउ आर दे रिलेटेड और इम्पैक्टेड, राइट? नाइट्रोजन साइकिल को वी हैव डन इट इन क्वाइट लाइक अच्छे से समझ लिया, व्हाट इज इट अबाउट। देन जो फॉस्फोरस साइकिल एंड आई ऑल्सो शोड हाउ यूपीएससी में भी इस साल एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आया था, फॉस्फोरस साइकिल की बात करी, वी ऑल्सो टॉक अबाउट पॉलीक्लोरिनेटेड बायोफिनाइल्स, राइट? देन वी स्पोक अबाउट इकोलॉजिकल सक्सेशन, पाइनियर कम्युनिटी क्या है, क्लाइमैक्स कम्युनिटी, ऑटोजेनिक एंड एलोजेनिक सक्सेशन, देन गैसियस साइकिल, सेडिमेंट्री साइकिल, व्हाट इज द डिफरेंस और व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, देन द लास्ट वॉज फूड वेब। सो आई होप यू हैव बीन एबल टू फॉलो, आपको अच्छे से एक तरह से ये चैप्टर समझ में आ रहे हैं। एंड लाइक जस्ट टू आपको फिर से बताने के लिए कि वी एट शून्य आईएएस आर कमिटेड टू मेकिंग श्योर कि आपकी प्रॉब्लम्स की प्रिपरेशन बिकम्स एज ईजी एंड एज फन फॉर यू एज पॉसिबल। और इसी के रिलेटेड आप देख ही रहे हो, मॉडर्न हिस्ट्री द कोर्स इज गोइंग ऑन, द पॉलिटी कोर्स इज ऑल्सो गोइंग ऑन, एंड यू कैन अवेल ऑल दीज 3000 क्वेश्चंस प्रॉपरली, यू कैन गो थ्रू देम। इससे क्या होगा, वेन यू सॉल्व सो मेनी क्वेश्चंस, वेन यू रिवाइज, आपके प्रॉब्लम्स की प्रिपरेशन इज गेटिंग ईज्ड, यू गेट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, राइट? सो विद दैट सेड, आई होप चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 आपने अच्छे से समझ लिया है, एंड नाउ आई विल सी यू इन चैप्टर 3। सो टिल द फर्दर टाइम आई विल टेक यू लीव, बाय।